देवास जिले में बकाया डायवर्सन शुल्क की वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज देवास में निर्मला वेयरहाउस राजोदा पर लगभग 11 लाख की बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान नगर तहसीलदार पूनम तोमर, नगर नायब तहसीलदार पूजा भाटी, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम उपस्थित थी। नगर तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि सर्वे नंबर 87 पैकी रकबा 0.60 हेक्टेयर पर वेयरहाउस के लिए सोहन सिंह, धर्मेंद्र पिता फूल सिंह, निर्मला बाईपति फूल सिंह राजौदा ने डायवर्सन करवाया था। बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी डायवर्सन बकाया जमा नहीं किया जा रहा था और जिसके तहत आज कुर्की की कार्रवाई की गई। उक्त संपत्ति अब राजस्व विभाग के अधीन है और किसी प्रकार की खरीदी बिक्री पर अब रोक है। नगर तहसीलदार पूनम तोमर ने बताया कि वसूली और कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। ये राजोदा ग्राम में जो है सोहन सिंह, फूल सिंह और निर्मला बाई द्वारा जो है 2006-07 में जो है वेयरहाउस के लिए डायवर्शन की जो कार्रवाई थी वो डायवर्शन करवाया गया था। अभी वर्तमान में इनकी लगभग 11 लाख की डायवर्शन बकाया है, जिसके लिए इनको बार बार नोटिस दिए जा रहे थे, बार बार कहा जा रहा था, पर इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई डायवर्शन जमा नहीं कराया जा रहा था, जिसके तहत आज हम लोगों ने इस निर्मला वेयरहाउस की कुर्की की कार्रवाई करी है। और अब जो है ये कुर्की और राजस्व वसूली कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।